इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो सन टैन निकालने का सबसे आसान तरीका है कि हमें अपने घर में ही सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है टमाटर, और यहाँ पर मैंने लिया है शुगर, टोमेटो एंड शुगर एंड हनी। तो इन तीन प्रोडक्ट को मैं यूज़ करते हुए अपने फेस से सन टैन को रिमूव करूँगी। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को अच्छी तरह से हाफ डिवाइड कर लिया है, और उसके बाद में इसके ऊपर शक्कर यानी शुगर इसमें ऐड करूँगी, और इसके ऊपर थोड़ा सा हनी ऐड करना है। सो हनी हमारे स्किन को हाइड्रेट करेगा, शुगर जो है वो स्क्रब करेगा हमारे फेस से, जो टैनिंग एंड डेड स्किन होता है वो रिमूव करेगा, एंड टोमेटो हमारे स्किन से सन टैन को रिमूव करेगा। सो इस प्रोसीजर को करना बहुत ही आसान है। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिस तरह से मैं टोमेटो को रब कर रही हूँ अपने फेस पे, अपने आईज एरिया पे भी मैं लगा रही हूँ इसे, और अपने लिप्स पे भी यूज़ कर रही हूँ। एंड आपको अपने नेक को नहीं भूलना है। सो थोड़ा थोड़ा शुगर लेते हुए, शक्कर को लेते हुए आप अपने फेस पे अच्छी तरह से इसे रब करते हुए अपनी टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं। एंड इसे वीक में 3 बार लगाना है। सो इसे वीक में 3 बार लगाइए और अपने सन टैन को करिए बाय बाय। मॉनसून सीजन आ चुका है, उस हिसाब से समर में बहुत सारी टैनिंग हो जाती है हमें, तो हम इतना ध्यान नहीं देते। सो ये बेस्ट होता है कि आप समर में भी अपने स्किन को कुछ इस तरह से सन टैन रिमूव कर सकते हैं, और मॉनसून में भी। सो जो मॉनसून सीजन में सन टैन हो जाती है उसके बाद हमें उसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। सो उसके बाद देखिए, मैं आ गई थी अपने बाथरूम में, और यहाँ पे मैं अच्छी तरह से शुगर को सारे जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उसे मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, और फेस वॉश कर रही थी मैं यहाँ पे। सिर्फ हल्के पानी से ही वॉश करना है, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करिए और इसे पूरी तरह से रिमूव कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे रिमूव कर रही थी उन प्रोडक्ट्स को जिन प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ किया था, और ये देखिए ये बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली आपके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं ये सारे चीज़ें, तो सन टैन के लिए सबसे बेस्ट होता है, और सन टैन जो है उसे रिमूव करता है। हमारी स्किन जो है बहुत हाइड्रेट हो जाती है और बहुत ही स्मूथ हो जाती है हमारी स्किन। टैनिंग तो ऑब्वियसली निकल ही जाएगी आपकी, और ये देखिए एक बहुत क्लियर स्किन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसे हफ्ते में 3 बार यूज़ करना है, और एक साफ़ टावल लेना है, और साफ़ टावल लेके अपने फेस को रब नहीं करना है, जस्ट डैब डैब करते हुए अपने फेस पे से इस वाटर को रिमूव करना है। इसके बाद मेक श्योर कि आप मॉइस्चराइज़र लगाइए। मॉइस्चराइज़र आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, जो कि पतंजलि का, वाव साइंस का, कोई भी आपके पास जो भी एलोवेरा जेल है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है स्किन, सो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। हिट द लाइक बटन।